नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन तो हड़ा स्वागत है। मैं हगीता सक्सेना पहला पेश ने चौंतियां खबरां। जीएसटी काउंसिल दा पेट्रोल विच मिलाए जाने वाले एथलोन उपर टैक्स की दर 18% तो घटा के 5% करने का फैसला। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों 2027 पंजाब विच भाजपा की सरकार बनाने का दावा। पटियाला दे एनआईएस विच नवे होस्टल का किया उद्घाटन। G20 दे फाइनेंस ट्रैक दे तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप दी बैठक बेंगलुरु विच सफलतापूर्ण समाप्त। रोपड़ दे इतिहासक गुरुद्वारा श्री पट्ठा साहिब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादियां दी शहीदी नूं समर्पित सालाना 3 रोजा शहीदी जोड़ मेला शुरू। भारत ने नेत्रहीन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप लगातार 3 बार जीतते हुए एक नवा इतिहास रचा। वस्तु ते सेवा कर जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोल विच मिलाए जाने वाले एथलोन उपर टैक्स की दर 18% तो घटा के 5% करने का फैसला लिया है। इस नाल जैव इंधन नूं प्रोत्साहन मिलेगा ते कच्चे तेल ते आयात उपर निर्भरता घट होण नाल विदेशी मुद्रा की बचत होगी। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल मोड राही जीएसटी बोर्ड की 48वीं बैठक की प्रधानगी की। बैठक नूं संबोधन करदिया खजाना मंत्री ने कहा कि एजेंडे के 8 बिंदुआं नूं पूरा किया है। उन्होंने कहा कि GOM के 2 मुद्दे सन जिन्हां ते चर्चा की जानी सी पर उन्हां ते विचार नहीं किया जा सकया। वह तंबाकू और गुटके से समर्था आधारित कर निर्धारित करन नाल संबंधित सी अते एक होर विशा GST दे नया अथॉरिटी स्थापना नाल संबंधित सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की दी सालाना समागम अते 95वीं सालाना बैठक विच हिस्सा लिया। इस मौके उन्होंने कहा कि भावें गलवान होवे जां तवांग भारत दीआं फौजां ने जिस तरह की बहादरी अते हौसले का प्रदर्शन किया वह विलखण है। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत ये परिवार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 25 साल असि आजादी का अमृत काल मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले तो 5 वचना की याद दवाई सी। सब तो पहला वचन विकसित भारत की उसारी है जिसनों पूरा किते बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। असी दुनिया के दूजे देशों से हावी नहीं बनना चाहते, असी दुनिया की भलाई लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग विच यांगत्से खेतर विच जवानों को मिले। उन्होंने जवानों नाल मिलन तो मगरों एक फोटो सांझी करते ट्वीट किया जिस विच उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की लोड़ींदी तैनाती कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग विच यांगत्से खेतर हुण पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2027 विच पंजाब विच भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। पटियाला विच अज भाजपा कार्यकर्ताओं नाल बैठक मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदिया अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा पंजाब के विकास नूं तरजीही आधार ते लै रही है। इसलिए मोदी सरकार वालों राज के विकास लिए 40,000 करोड़ तो वध दे प्रोजैक्ट दिते गए ने। 2027 च भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब विच सरकार भी बनाएगी, पंजाब नूं अगे भी वधाएगी, क्योंकि पंजाब ते पंजाबीयत दे प्रति जो प्रधानमंत्री मोदी जी का प्यार है वो इस इलाके दे संगठन दे टाइम तो प्रभारी रहे, वो पंजाब ते पंजाबीयत नूं पंजाब दी संस्कृति नूं बहुत चंगी तरह जानते हैं। करतारपुर कोरीडोर नूं खुलवाउण दा काम कोई नहीं कर पाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने,
550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व बड़ी जोर शोर ने मनाया गया। 400वां गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव बड़े सज धज के मनाया गया। हेमकुंड साहब च रोपवे पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण होया। यही नहीं, साहबजादियां दा शहादत देश नूं याद ही नहीं कराना, अज की युवा पीढ़ी नूं प्रेरणा लैण लई शहीद दिवस मनाने का काम किन्ने किया जी? वीर बाल दिवस किन्ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जे कोई किसी दे समाज नूं संस्कृति नूं जानता होगा तो ही कर सकता है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता नाल लैंदी संगठन लई भी ते पंजाब दे विकास लई 40,000 करोड़ तो ज़्यादा दे प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने दिते ने। इस तो पहला केंद्रीय युवा मामलों और खेडों बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजमंत्री निशत प्रमाणिक के नाल पटियाला विच स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेड संस्थान NIS का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने 300 बिस्तरियां वाले एक नवे होस्टल का उद्घाटन किया जिसते तकरीबन 27 करोड़ रुपए की लागत आई। दोवां मंत्रियों ने उगे हॉकी खिडारी मेजर ध्यान चंद और दौड़ाक PT ऊषा को समर्पित दो होस्टलों का भी उद्घाटन किया जिन्हों के नवीनीकरण अपग्रेडेशन से तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्चे गए ने। इस मौके खिडारियों गलबात करद उन्होंने कहा कि साढ़े इतने 12वीं तो बाद खिडारी खेड छड़ देंगे ने क्योंकि उन्होंने अगे का राह नहीं दिखता। असं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी पद्धर से खेडों की सहूलत बने ताकि खिडारी खेड सकन। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग होवे जिसनों बच्चे एक वीडियो राही सीख सकन। इस लई NIS पटियाला नूं एक पत्र तैयार करना चाहिदा है। हमारे यहाँ पर क्या है, 12वीं के बाद बच्चे या तो खेल छोड़ना शुरू कर देते हैं कि अब क्या है, उनको भविष्य कहीं नजर नहीं आता है। तो हमें यह भी बहुत आवश्यक है कि हमारे यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एनरोल करना। जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज वाले उनका पढ़ाई का खर्चा सारा वहन करें, उनको ट्रेनिंग के ऊपर उनका और खर्चा करें, क्योंकि दुनिया भर के देशों में यूनिवर्सिटीज का सिस्टम बहुत उपयोगी है, जहां से खिलाड़ी बहुत सारे मेडल्स जीत कर लाते हैं। अमेरिका जैसे देश में तो एक एक यूनिवर्सिटी से 100-100 मेडल तक भी जीत कर लाते हैं। स्कूल चाहे एक या दो गेम ही करें, किसी के पास बड़ा खेल मैदान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर हम छोटे छोटे बदलाव नीचे करने शुरू करेंगे तो हर स्कूल में 3-4 गेम आ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने 600 तो वध एथलीटा ते सिख्यार्थियों नाल भी गलबात कीती अते उन्हां नूं खेडां दे ध्यान केंद्रित करते रहण अते देश दा मान वधाउण लई प्रेरित कीता। इस मौके ते उन्हां ने नवां प्रदर्शन विश्लेषण कोर्स वी लॉन्च कीता जो कि NSNIS पटियाला विखे पेश कीते जाण वाले अकादमिक कोर्सां विच सब तो नवां कोर्स है। ते हुण बाकी दीआं खबरां इस ब्रेक तो बाद। पेमेंट फेल पर पैसे तो कटे गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी पर भाई, चिंता ना कर मेरे भाई, जे डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जावे ते अकाउंट विचों पैसे कटे जान तो बैंक समय ते पैसे मोड़ देवेगा, नहीं तो खजाने का है इंतजाम, नहीं तो RBI दे ओंबड्समैन नूं शिकायत करो तुसी। या बिल मेरी फीस RBI कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। G20 दे फाइनेंस ट्रैक दे तहत फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप दी बैठक बेंगलुरु विच सफलतापूर्वक समाप्त हो गई। समूह ने वधदियां खुराक अते ऊर्जा दियां कीमतां दियां आलमी चुनौतियां दा सामना करन लई लोड़िंदे ते व्यापक आर्थिक नीति इनपुट्स ते चर्चा कीती। G20 फाइनेंस ट्रैक दे तहत इस ग्रुप नाल विश्व बैंक ने भी आलमी उत्पादां अते ऊर्जा दियां कीमतां ते एक रिपोर्ट पेश कीती जिस विच कहा गया है कि 2022 विच अनुमानित 60% दे वाधे तो बाद ऊर्जा दियां कीमतां विच 2023 विच 11% अते 2024 विच 12% दी गिरावट दा अनुमान है। हालांकि 2024 तक कीमतां अपने 5 साल दे औसत 50% तो वध बणियां रहणगियां। उत्थे ही उच्च कीमतां दा विशेष तौर ते आवाजाई अते बिजली दी लागत ते महंगाई संबंधी असर रहेगा। घट गिणती मामलों बारे केंद्रीय राज मंत्री जॉन बारला ने अज सरहदी जिले गुरदासपुर का दौरा किया। उन्होंने कादियां विखे अहमदिया जमात के मैंबरों नाल मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री
कानुवान विखे सेंट जोसफ कैथोलिक चर्च विच होए क्रिसमस समागम विच मुख मेहमान वजो शामिल होए। क्रिसमस की वधाई दिंदिया उन्होंने कहा कि भारत सरकार वालों घट गिणती भाईचारे लई कई भलाई स्कीमां चलाईआं जा रहीआं ने जिन्हां दा लाभ हर घट गिणती भाईचारे नूं बिना किसी भेदभाव दिता जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी घट गिणती सैल पंजाब के प्रधान थॉमस मसीह भी मौजूद सन। हमारा समाज हमारे जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास हम देश को जोड़ना चाहता है। देश के हर योजना को हम घर घर तक पहुंचाने हैं। अगर हम एक दूसरे से अगर कंधे से कंधे मिला के नहीं काम करेंगे तो हम आम जनता के लिए हम काम करने नहीं सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि हर समाज हर सर्वधर्म मिल के हम लोग देश को आगे ले जाएंगे। स्थानक सरकारां बारे मंत्री इंद्रजीत सिंह निजर ने दस्या कि फिरोजपुर विरासत रहिंद खूंद नूं साफ करन वाला पंजाब दा पहला जिला बन गया है। इसने 7,911 मीट्रिक टन विरासती रहिंद खूंद की सफाई की है। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान में उन्होंने दस्या कि फिरोजपुर जीरा गुरु हर सहाय तलवंडी भाई मुलावाला मुदकी मखू ममदोड़ समेत 8 शहरी इकाइयां वाला जिला फिरोजपुर ने अपनी विरासती रहिंद खूंद नूं साफ करन दा टीचा मिथ लिया है। उन्होंने कहा कि हुण इत्थे 100% रहिंद खूंद घर घर जाके वख वख इकट्ठा करन दी कोशिश की जा रही है। उन्होंने दस्सिया कि हुण रोजाना रहिंद खूंद नूं MRF अते कंपोस्ट पिट्स विच भेजा जा रहा है तां जो इस दी रीसाइकलिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि इस मुहिम नूं राज दे होरनां जिलों विच भी लागू किया जाएगा। फाजिलका जिले के पिंड आसफ वाला विखे भारत पाकिस्तान 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने वास्ते शहीदी मेले का आयोजन होया। इस विच फौज के जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी शामिल हुए ते शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल ते लैफ्टिनेंट जनरल संजीव राय मुख मेहमान वजो शामिल हुए। आसफ वाला शहीदों की समाध से बनाए गए 71 फुट उच्चे विक्टरी टावर का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके लड़कियां ते लड़कियां दी मैराथन दौड़ भी करवाई गई। पेंशनर दिवस मौके आकाशवाणी ते दूरदर्शन पेंशनर एसोसीएशन जलंधर वालों एक समागम करवाया गया। समागम दौरान पेंशनरां दीआं समस्यावां ते विचार किया गया। रिटायर्ड कर्नल सुखदेव सिंह मुख मेहमान वजो शामिल होए। एसोसीएशन दे मौजूदा प्रधान ते दूरदर्शन जलंधर दे साबका उप महानिदेशक ओम गौरी दत्त ने सब दा स्वागत करदिआं पेंशन दिवस दी महत्ता ते चानना पाया। समागम दौरान केंद्र सरकार तो मांग की गई कि फैमिली पेंशन का दायरा वधा के इसनों पेंशन धारक की विधवा नूं तक किया जाए। जिहड़े कर्मचारी 30 जून नूं सेवा मुक्त हुंदे ने उन्हां नूं 1 जुलाई नूं लगती इंक्रीमेंट का लाभ दिता जाए। फैमिली पेंशन की रकम 30% तो वधा के 50% किया जाए। इस मौके RP मुंजाल नूं गोल्डन ब्रदरहुड ट्रॉफी दूरदर्शन के साबका निर्देशक MG गौतम एसोसीएशन के संस्थापक प्रधान VM तीर ते रघुवीर सिंह नूं जीवन भर दीआं प्राप्तियां दे लई सन्मानित कीता गया। रोपड़ दे इतिहासक गुरुद्वारा श्री पट्ठा साहिब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादियां दी शहीदी नूं समर्पित सालाना 3 रोज़ा शहीदी जोड़ मेला अज शुरू हो गया। गुरुद्वारा गुरुगढ़ सदाबर्त साहिब रोपड़ तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ 5 प्यारियां की अगवाई विच कढ़े गए नगर कीर्तन के नाल यह शहीदी जोड़ मेला शुरू होया। यह नगर कीर्तन शहर के वख वख बाजारा विच हुंदा होया गुरुद्वारा पट्ठा साहिब विखे पुज्या। यह शहीदी जोड़ मेला अज तो शुरू होकर 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इतिहासक गुरुद्वारा पट्ठा साहिब 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नीले घोड़े दियां पैड़ां दी छोह नाल शांत होए पट्ठे दे इतिहासक स्थान ते स्थित है। हर साल नानकशाही समर दे 2-3-4 पोह नूं इत्थे जोड़ मेला भरदा है जिस विच इलाके अते बाहर दियां संगतां नतमस्तक हुंदियां ने। भारत ने नेत्रहीन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप लगातार 3 वार जीते हुए एक नवा इतिहास रचिया है। अज बेंगलुरु विच खेडे गए फाइनल मुकाबले विच भारत दी नेत्रहीन टीम ने बांग्लादेश नूं 120 दौड़ां दे फर्क नाल हरा के इस खिताब ते कब्जा कीता है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकदे ने। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।